हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर हियर। आई एम सतीश कुमार शेषकर, असिस्टेंट प्रोफेसर SIRT भोपाल। यहाँ मैं फ्रेंड्स आपके लिए एक मटेरियल टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग पे एक छोटा सा लेक्चर लेकर आया हूँ। लीजिए देखते हैं, व्हाट इज इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होता है उसे हम समझते हैं आज। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो है वो एक विज्ञान की ही शाखा है जिसमें हम डील करते हैं मटेरियल्स के साथ, उसके प्रॉपर्टीज के साथ, उनके फंक्शंस के साथ। साथ में हम जानते हैं कि उनके जो अलग अलग कंपोजिशन और मिक्सचर बनते हैं उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, और हमें इसके बारे में एक ब्रॉड नॉलेज उसके वाइड रेंज के बारे में हमें मिल पाता है। तो ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं जिसमें हम मटेरियल्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और दिस इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर यूज ऑफ नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स डेट हैव टू बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई देम फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन। हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस मटेरियल्स की किस प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं और हम उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके उन्हें एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स को फ्रेंड्स हम दो प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक है मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। और मेटल्स को फर्दर यदि हम बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो फेरस या नॉन फेरस भी हो सकते हैं, और जो नॉन मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी होते हैं। तो चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। मेटल्स की हम बात करते हैं तो मेटल्स जो होते हैं वो उनमें इस प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है फ्रेंड्स, जैसे कि वे हार्ड होते हैं, ओपेक होते हैं, शाइनी होते हैं, और उनमें गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है। तो ये यदि प्रॉपर्टीज किसी भी मटेरियल में हमें मिल रही है, यदि वो हार्ड है, ओपेक है यानी पारदर्शी नहीं है, शाइनिंग है, और उनमें अच्छी यदि विद्युत और तापीय कंडक्टिविटी यदि है तो हम कह सकते हैं कि वो मेटल्स है। और मेटल्स में फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स फेरस मटेरियल्स की। फेरस मटेरियल्स हम उसको बोल सकते हैं वो मटेरियल्स, वो मेटल्स या वो अलॉयज जिसमें कि परसेंटेज ऑफ आयरन ज़्यादा होता है। फर्दर यदि हम बात करें तो हम ऐसे मटेरियल्स जिसमें आयरन का परसेंटेज ज़्यादा होता है उसे हम हाई स्ट्रेंथ जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और चूंकि इसकी कीमत भी कम होती है। तो दिस आर द फेरस मटेरियल्स। सो फर्दर हम नॉन फेरस के बारे में बात करेंगे। नॉन फेरस मेटल्स वो होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता है, फेरस नहीं होता है, जिसमें Fe आयंस नहीं है, वो नॉन फेरस मटेरियल्स कहलाएंगे। और बेसिकली जो होते हैं वो अलाइव फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं नॉन फेरस मटेरियल, और कभी कभी हम प्योर फॉर्म में भी इन्हें पा सकते हैं। तो प्योर फॉर्म जो होता है वो जनरली हम इस प्रकार की प्रॉपर्टीज जैसे कि कोरोजन रेजिस्टेंस है या डक्टिलिटी है या हार्डनेस है, इस प्रकार की प्रॉपर्टीज यदि हमें प्राप्त करनी है तो हम नॉन फेरस जो कि प्योर फॉर्म में है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर फर्दर इस प्रकार के जो नॉन फेरस मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव भी करते हैं। और फर्दर हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक मटेरियल्स की, वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। तो हम सिंथेटिक मटेरियल्स पे बात करेंगे। सिंथेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हम खुद बनाते हैं और फ्रॉम द सब्सटेंसेस ऑयल्स या कोल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो ऐसे मटेरियल्स जिसे हम खुद आर्टिफिशियली तैयार कर सकते हैं वो कहलाते हैं सिंथेटिक मटेरियल। इसके एग्जांपल हैं प्लास्टिक्स हैं, सेरामिक्स हैं और कंपोजाइट्स हैं। फर्दर वॉइस यदि हम
नेचुरल में नॉन मेटेलिक मटेरियल्स की बात करते हैं तो नेचुरल मटेरियल्स जो हो सकते हैं वो वुड है, रबर है, ये प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, जैसे कि ग्लास है, एमेरी है जो कि एल्यूमिना ऑक्साइड को ही हम एमेरी के नाम से जानते हैं, फिर कुछ सेरेमिक्स हैं, डायमंड्स हैं, ऑयल्स हैं, सिलिकॉन्स हैं। तो सो दिस ऑल आर द नॉन मेटेलिक मटेरियल्स डेट आर यूजली फाउंड इन नेचर। ओके बॉयज, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। आई थैंक यू ऑल।